हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही क्रीमी और रिच है और जिसको मैंने बनाया है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे धुंगार मेथड से। तो इसके सारे सीक्रेट्स के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ये रेसिपी जरूर शेयर करें। इसके लिए आप सबसे पहले ले लें 1 कप काली उड़द की दाल और 1/4 कप राजमा। इसे आप 2 बार अच्छे पानी से धो लें और इसे 7 से 8 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए भिगा कर रख दें। तो रात भर भिगने के बाद जो दाल है वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है, तो आप इसे अच्छे से हाथों से रगड़ के कुछ इस तरीके से धो लें और ये पानी आप फेंक दें। इसे 2 बार और अच्छे पानी से आप धो लें और उसके बाद 3 कप पानी के साथ 5 से 6 सीटी तक आप इसे पका लें। याद रखिएगा, यहाँ पर आप काले सेके उड़द दाल ही लीजिएगा। तो गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखिएगा। कुकर में से प्रेशर जाने के बाद ही आप उसे ओपन कीजिएगा। जो उड़द की दाल है और जो राजमा है वो अच्छे से पक जाने चाहिए कुछ इस तरीके से कि तब जब आप इसे उंगलियों से दबाएं तो ये अच्छे से मैश हो जाए। अगर ऐसा ना हो रहा हो तो आप उसमें 1/2 कप पानी डालकर 2 से 3 सीटी तक और पका लें। तो अब रेडी करते हैं इसके लिए तड़का। तो गैस को आप रखिएगा बिल्कुल लो फ्लेम में और उसमें आप डाल दीजिएगा 3 से 4 बड़े चम्मच मक्खन के। आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर आप उसमें डालिएगा 1/2 चम्मच जीरा। याद रखिएगा कि जो बटर है वो बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। फिर उसमें आप डाल दीजिए 2 से 3 इलायची, 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची। और फिर आप इसमें डालिएगा 3 लौंग और फिर 1 तेज पत्ता। तो दाल मखनी का जो मेन टेस्ट है वो इसके मसालों से ही आता है। मसालों की क्वांटिटी आप बिल्कुल कम या ज्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अगर ज्यादा मसाला इसमें टेस्ट के लिए डाल दिए तो इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो मसालों को 1 मिनट बटर के साथ पकाने के बाद आप उसमें डाल दें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हम पहले अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर आप गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम कर लीजिएगा और जब तक प्याज पक रहे हैं आप 3 मीडियम टमाटर लीजिएगा। उसे रफली चॉप करके आप मिक्सर में अच्छे से पेस्ट बना लीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो जो प्याज है वो अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फिर आप इसमें डाल दीजिएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से जो अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल है वो नहीं चला जाता है। मुझे दाल मखनी थोड़ी लाल कलर की पसंद है, इसलिए मैंने उसमें डाल दिया है 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये ऑप्शनल है बट अगर आपके पास हो तो जरूर डालें। तो लाल मिर्च डालने के बाद आप इसे सिर्फ 1/2 मिनट तक ही पकाएं और उसके बाद आप उसमें डाल दें टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर को जल्दी पकाने के लिए आप उसमें डाल दें नमक। तो दाल में जितनी नमक पड़नी है आप उसे यहीं पर डाल लें। नमक डालने से होता ये है कि जो टमाटर और प्याज है वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और उसमें से तेल अलग हो जाता है। अगर आपको मेरे जैसे तीखा पसंद है तो आप यहाँ पर डाल दें 1 से 2 हरी मिर्च। और अब आता है रेसिपी का सीक्रेट। आप इसमें डालें 1 से 2 चुटकी जायफल का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी चलेगा, बट अगर आपके पास ये है घर पर तो आप ये जरूर डालिएगा। और अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। आप इस स्टेज में लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसमें डाल दें उबला हुआ राजमा और उड़द दाल। गैस को कर दीजिए आप लो फ्लेम में। तो दाल मखनी का ये सीक्रेट है कि इसे लो फ्लेम में काफी देर तक पकाया जाता है ताकि इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छे से आए। तो कुकर में जो बचा हुआ पानी है वो भी आप इसमें डाल लें और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। तो किसी भी रेसिपी में मेन होता है उसके मसालों का कॉम्बिनेशन, मसालों की क्वांटिटी और उसे पकाते वक्त कब डाला जाता है। तो जैसे कि इस रेसिपी में जो हमने खड़े मसाले यूज किए हैं और प्याज अदरक लहसुन और टमाटर को अच्छे से पकाया है। फिर आप इसमें डाल दीजिएगा 1 कप गर्म पानी। अगर ये बहुत ही गाढ़ा हो तो आप इसमें और भी पानी डाल सकते हैं। तो इस स्टेज में आप नमक चेक कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने और डाला है। तो इसे चलाते वक्त मैं हल्का सा मैश भी करते जा रही हूँ। तो लो फ्लेम में हमें इसे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से पकाना है और याद रखिएगा बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा ताकि पैन में वो नीचे से चिपके ना। और 20 से 25 मिनट के बाद ये देखिए जो दाल का कलर है वो कितना चेंज हो चुका है और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। और यही सही समय है इसमें क्रीम डालने का। तो अगर आपके पास घर पे रखा हुआ मलाई है तो आप उसे भी डाल सकते हैं,
नहीं तो आप कोई भी सिंगल क्रीम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। मलाई डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही क्रीमी और रिच आता है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर आप उसमें डाल दीजिएगा 1 बड़ा चम्मच बटर का, ये ऑप्शनल है बट आप इसमें जरूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही इनहेंस होता है, बहुत ही बढ़ जाता है। गैस को कर दीजिए अब आप ऑफ, और उसके बाद आप डाल दीजिए उसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी कुछ आप इस तरीके से डालिएगा, फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो दाल जो है वो खाने के लिए एकदम रेडी है। पर अगर आपको देखना है कि रेस्टोरेंट में चारकोल मेथड या धुंगार मेथड कैसे दिया जाता है, तो आप इसे कंटिन्यू देखते रहें। तो दाल में रखिएगा आप एक साफ कटोरी और उसमें जलता हुआ कोयला डालें। अगर आप गैस में गर्म कर रहे हैं तो कोयला जो है वो एकदम लाल होना चाहिए, और फिर उसमें आप डाल दें 1 चम्मच तेल, और जैसे ही धुआं आने लगे आप इसे ढककर रख दें ताकि जो धुआं है वो बाहर ना निकल सके। तो दाल मखनी को आप राइस, चपाती, नान या तंदूरी रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सर्विंग के टाइम आप इसमें डालें ऊपर से मलाई और थोड़े से धनिया पत्ती। और आपको मेरे आने वाले रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।